ऑल राइट गाइस, कैसे हो आप सब? इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कैसे आप हाईली प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो आपके कॉम्पिटिटर्स के, ताकि आप भी वो कीवर्ड्स पे बिड करके आपकी एड लगाकर आप बहुत सारे सीरीज ला सकते हो। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए जहाँ से फ्री टूल से आप कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो, उसका लिंक ऊपर दिया गया है, आप क्लिक करके वो वीडियो भी दे सकते हो अगर आपको फ्री टूल्स में इंटरेस्टेड है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, सर फ्री टूल्स तो ठीक है लेकिन इसमें बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ है, काफ़ी कम कीवर्ड्स मिलते हैं। तो ये टूल के थ्रू आपको हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स मिलेंगे, हाईली प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स मिलेंगे। और ये टूल की ब्यूटी ये है कि आपके कोई भी टॉप सेलर्स आपकी कैटेगरी के अंदर, उसके सारे कीवर्ड्स आप ले सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स यूजिंग दिस टूल। बट येस, दिस टूल इज़ अ पेड टूल। सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपके amazon.in अकाउंट पे आना है, राइट? सो आपके amazon.in अकाउंट पे आएंगे और लेट्स से अगर आप बेच रहे हो सिर्फ ब्लूटूथ ईयरफोन्स, आपको दबाना है ब्लूटूथ स्पीकर ईयरफोन्स, यस ब्लूटूथ हेडफोन्स। लेट्स से अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन्स बेच रहे हो, राइट? सो आप दबाओगे ये और क्लिक करोगे एंटर। वंस यू क्लिक एंटर, आपको फिर ये सारे के सारे यू नो कॉम्पिटिटर्स मिल जाएंगे। और लेट्स से अगर आपका प्रोडक्ट है, लेट्स से इस टाइप का ईयरफोन, राइट? इस टाइप का ईयरफोन और ये आपका सबसे नंबर वन कॉम्पिटिटर है, राइट? तो अब ये कॉम्पिटिटर जनरली सब जगह अपियर हो रहा होगा और इसको बहुत सारे कीवर्ड्स पे ये बिड कर रहा होगा। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आप कंटाल जाओगे कि कौन सा कीवर्ड्स पे कन्वर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स पे बिड होनी चाहिए। और अगर ये टॉप कॉम्पिटिटर्स के आपको पीछे मतलब मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कि कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, तो आप इजीली वो कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो आपके कैंपेन में और आप भी वो टाइप का रैंक लेके आ सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, राइट? जो भी आपके टॉप कॉम्पिटिटर्स है क्लिक करो और उसके बाद देखिए ये नंबर B0, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ तक B0 से लेके H तक, इसको कंट्रोल C कीजिए। आपको जाना है फिर हीलियम 10 में, राइट? हीलियम 10 एक यू नो कीवर्ड टूल है। आप बेसिकली आप यू नो जैसे भाई गूगल कर सकते हो एग्जाम्पल helium10.com और उसके थ्रू आपको यू नो लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप साइनअप कर सकते हो, एग्जैक्टली फ्री है, राइट? साइन अप फॉर फ्री और आपको कुछ यूजेस फ्री मिलते हैं और आई थिंक 2-3 सर्चेस फ्री मिलते हैं, उसके बाद आपको पेड लगता है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो हीलियम 10 को। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है कीवर्ड रिसर्च में, कीवर्ड रिसर्च और सेरिब्रो, कीवर्ड रिसर्च और सेरिब्रो। बेसिकली सेरिब्रो एक रिवर्स एसिन टूल है। इसका मतलब जो भी आप एसिन डालोगे, एसिन यानी B0 जो अमेजन यूनिक आइडेंटिटी नंबर देता है, एक भी कोई भी प्रोडक्ट जो आप अमेजोन पर लिस्ट करते हो उस पर आपको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोडक्ट मिलता है, उसको आपको कॉपी करना है और आपको वो चालू होता है B0 से, ओके? उसको आपको डालना है सेरिब्रो में और आपको डालना है कंट्रोल V, राइट? तो मैंने ये वाला जो था प्रोडक्ट, आपको देखो B0 इधर भी मिल जाएगा अगर चाहिए तो, आपको नीचे आना है और आपको मिल जाएगा इधर B0, ओके? एसएन नंबर दिख रहा है आपको, आपको ये कॉपी करना है और उसके बाद आपको इधर क्लिक करना है और आपको एग्जैक्ट एसिन मैच करना है और गेट कीवर्ड्स दबाना है। उसके बाद ये आपके सारे कीवर्ड्स निकाल देगा जो भी ये एसिन से रिलेटेड है, ठीक है? आप देखिए लोड हो रहा है 2 मिनट में। ये बेसिकली टूल क्या करता है, जो रिवर्स सर्च करता है जो भी आपके एसिन है, मतलब जो भी आप एसिन डालोगे उसके ऊपर कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं उस हिसाब से वो पूरा रिवर्स सर्च करके आपके अंदर डाल देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर आना है और आपको क्लिक करना है मैच टाइप में ऑर्गेनिक, आपको डालना है ऑर्गेनिक रैंक, राइट? ऑर्गेनिक रैंक का मतलब ये होता है कि ये कौन से कीवर्ड्स पे पेज नंबर 1 पे आ रहा है। अब गाइस ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज ये कीवर्ड से ही, अगर कोई भी कीवर्ड पे ये प्रोडक्ट अगर 7th पेज पे आ रहा है तो उस पे से उसको ज्यादा सेल नहीं आ सकती, राइट? इसीलिए हम ये फिल्टर डालते हैं कि 1 to 20। इसका मतलब ये हमें वही कीवर्ड दिखाइए जिस पे ये प्रोडक्ट एक्चुअली नंबर 1 पेज पे आ रहा है। तो हम डालेंगे 1 to 20 और फिर हम डालेंगे सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम मतलब ये होता है कि
मुझे बताइए कि इसमें जो जो भी पेज वन पे आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम क्या है, मतलब कौन से लोग सबसे ज्यादा वो कीवर्ड यूज कर रहे हैं। अगर समझो आपके पास एक कीवर्ड है जो 50,000 पर मंथ सर्च हो रहा है ऑन एमेजोन, मतलब 50,000 लोग जाके टाइप कर रहे हो कीवर्ड एवरी सिंगल मंथ, एज कंपेयर टू एक कीवर्ड जो सिर्फ 2,000 लोग जाके टाइप कर रहे हैं, आपको ज्यादातर सेल हमेशा 50,000 वाले कीवर्ड से ही आएगी अगर आप दोनों कीवर्ड्स पे पेज नंबर वन पे हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे आप लेते हो 1,000, आपने डाल दिया ऑर्गेनिक 1 to 20, सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1,000, और आप इधर दबाओगे हिट अप्लाई। राइट, जब भी अप्लाई करोगे तो ये सारे फिल्टर्स को निकालने के बाद आपको ये सारे कीवर्ड्स देगा। गाइस देखिए 578 कीवर्ड्स आपके पास आ चुके हैं जो आप यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग योर स्पॉन्सर एड्स। अब गाइस आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, बिकॉज आप देखिए इसके सर्च टर्म, सर्च वॉल्यूम 1,61,403 फॉर द कीवर्ड ब्लूटूथ हैंडसेट, विच इज क्रेजी गाइस। राइट, सो आप ये देखिए, एक और कीवर्ड देखिए सर, देखिए गाइस ब्लूटूथ की स्पेलिंग रॉन्ग है, राइट, BLOOTH हेडफोन्स वायरलेस, उसकी 10,572, यू नो आप देख सकते हो 572 सर्च वॉल्यूम है। अब ये कीवर्ड पे अगर आपको ये पास टूल नहीं होता ही, आपको कभी पता नहीं चलता कि ये कीवर्ड पे आपको बिड करना चाहिए। आई बेट यू अगर आप ये कीवर्ड पे बिड करोगे तो आप ऑलमोस्ट 60% कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट कर दोगे, बिकॉज बाकी कॉम्पिटिटर्स को पता भी नहीं है कि ये वर्ड यानी मिस स्पेलिंग में इतना ज्यादा क्रेजी सर्च वॉल्यूम है। सो मैं बहुत सारे कीवर्ड यहां से उठाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि वो कीवर्ड मेरे लिए रेलिवेंट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर जा सकते हो, अभी देखो 576 78 इज वेरी वेरी हाई सर्च वॉल्यूम, सो आपको करना है यहाँ पे आप जा सकते हो, कर सकते हो 5,000, लेट्स से 5,000, और चेक करते हैं कि और हमको क्या मिलते हैं कीवर्ड्स। 137 कीवर्ड्स गाइस जो 5,000 प्लस सर्च वॉल्यूम के हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा कि इसमें ब्रांड्स कौन से हैं और उनका नाम हटा दूंगा। जैसे पेट्रॉन, ये देख सकते हो आप वर्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें जितनी बार ये वर्ड्स आए हुए हैं उसका नाम है। अगर मैं पेट्रॉन ब्रांड नहीं बेच रहा हूं तो मैं इसमें डाल दूंगा एक्सक्लूड फ्रेजेस दैट कंटेन पेट्रॉन, PTRON पेट्रॉन, वन प्लस, राइट, वन प्लस, और अगर ये वायरलेस नहीं होता तो मैं इसमें वायर डाल देता। सो लेट से ये हो गया, अब मैं इसको दबाऊंगा अप्लाई, तो सारे कीवर्ड्स में जहां पे पेट्रॉन और वन प्लस का नाम है वो सारे हट जाएंगे। देखिए गाइस हम रिड्यूस होके 123 पे आ गए। अब हम और कीवर्ड्स देखेंगे जहां पर मे बी, देखो MI, रेडमी, ये दोनों भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग शायद ब्रांडेड नहीं बेच रहे हैं। रेडमी, MI, सैमसंग, सैमसंग, राइट, आप दबा दोगे अप्लाई तो और ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा गाइस। अब 116 हम और क्लोज आते जा रहे हैं, हमारा टारगेट है एटलीस्ट 100 कीवर्ड हमें मिल जाए ताकि यू नो हम अच्छे से इसको बिड कर पाए। अब आप देख सकते हो और बहुत सारे कीवर्ड्स है, आप ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन्स हेडफोन्स, अगर ये हेडफोन्स नहीं है, राइट, अगर ये ईयरफोन्स, हेडफोन्स मतलब बड़े होते हैं, ईयरफोन्स मतलब ईयर्स में जाते हैं वो, और समझो हमारा ये प्रोडक्ट ईयरफोन्स वाला है तो हेडफोन्स हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके हेडफोन्स को एक्सक्लूड कर देंगे, हेडफोन्स हेडफोन, और इसको कर देंगे कॉमा और दबाएंगे एंटर। राइट, शायद मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर ली है तो इसको मैं निकाल दूंगा। ओके, और अब देखिएगा और कीवर्ड्स कम हो जाएंगे गाइस, 108। नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू एलिमिनेट, ऐसे करके आपको जो भी आपके प्रोडक्ट के लिए एकदम हाईली रेलेवेंट है वो कीवर्ड्स को आपको उठाना है और वो कीवर्ड से आपको अमेज़न एडवर्टाइजिंग रन करनी है। आप इसको ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट तीनों में रन कर सकते हो, बिड्स आप स्टार्ट कर सकते हो 5 रुपीज से, और आपको और भी इन डेप्थ जानना है कि कैसे आपको एड्स रन करनी है तो मेरा 5 डे का वर्कशॉप भी है, आप उसमें यू नो एनरोल कर सकते हो, काफी लोगों को काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हुए हैं। और अगर आपको इन डेप्थ वीडियोस भी देखने हैं तो भी आप ऊपर लिंक क्लिक करके देख सकते हो मेरे अमेज़न एडवर्टाइजिंग के वीडियोस। सो गाइस इस तरह से आप Helium 10 को यूज करके बहुत सारा कीवर्ड ढूंढ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन कीप सेलिंग एंड कीप क्रशिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।